हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक लैंडस्केप जो पेंसिल कलर से बना हुआ है वो बताने जा रही हूँ। आपके बुक के पेज नंबर 38 में है और ये जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस जिगजैग से बनाना है और हल्का स्ट्रोक डालना है। तो सबसे पहले मैंने इसे एक ड्राइंग शीट पे ड्रॉ किया है और बहुत इजी ड्रॉ है, इसलिए मैं कर रही हूँ और आप लोग भी इसे अपने बुक में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसे आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन के लिए आप लोग ब्लैक पेन या मार्कर या पेंसिल का, डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं अब आउटलाइन करने जा रही हूँ, उसके बाद इसमें कलर फिलअप करेंगे। देखिए मैं आउटलाइन कर रही हूँ, मैंने ड्रॉ किया है, अब आउटलाइन कर रही हूँ। इस तरह से इसमें आउटलाइन करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे आउटलाइन करेंगे। सारे जो जो भी पेंसिल वर्क है उस पे हम लोग ब्लैक स्केच चला देंगे। किसी किसी में आउटलाइन हम लोग जब से वाटर कलर करते हैं तो बाद में आउटलाइन करना रहता है, लेकिन यहाँ पर पेंसिल कलर का यूज करना है तो यहाँ पर मैं पहले आउटलाइन कर रही हूँ। आप लोग भी इसे आउटलाइन करेंगे। इस तरह से सारे जो भी ड्रॉ किया हुआ है, सारे ट्री का और सारे लीव्स का, ये सब जो बना हुआ है सारे में अच्छे से पहले ब्लैक कलर चढ़ाना, और ट्री का भी जो है सिर्फ बस ट्री बनाना है। आप लोग सारे बच्चे को ट्री बनाने आता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं बताई हूँ कि जिगजैग से ही बनाना है, तो बस जिगजैग करते हुए सारे ट्री का ड्रॉ करना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, अलग टाइप से करना है जिसके लिए घबराना है। और उसके बाद इसमें पेंसिल कलर फिलअप करना है। फिलअप करना क्या है, इसमें भी जिगजैग ही बनाना है। तो इस तरह से आप लोग ट्री को पहले बनाएंगे, पहले पेंसिल से, उसके बाद उस पर स्केच से करेंगे, स्केच से लाइन करेंगे, उसके बाद ही आप इसमें कलर फिलअप करेंगे। इसमें अब यो है, थोड़ा सा ये झाड़ी टाइप से दिख रहा है तो आप लोग उसे भी बनाएंगे, झाड़ी को भी बनाना है, ताकि एक ये लग रहा है जैसे जंगल का सीन हो, उस तरह से कैसे बहुत सारे पेड़ हैं और झाड़ी है और थोड़ा सा फ्लावर है, फिर थोड़ा सा रास्ता भी बना हुआ है। तो ये सारा ये लैंडस्केप टाइप का हो गया। तो आप लोग इस लैंडस्केप को जो है अच्छे से बनाएंगे और कलर फिर उसमें फिलअप करेंगे। ये लैंडस्केप ही हुआ, जो भी हम लोग बनाते हैं वो सारा लैंडस्केप, धरती से रिलेटेड जो भी होता है, जो भी सीनरी बनाते हैं हम लोग, वो सारा लैंडस्केप ही होता है। तो आप लोग इस लैंडस्केप को अच्छे से बनाएंगे। इस तरह से हम लोग जब आउटलाइन कर लेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पेंसिल का जो दाग दिख रहा है, पेंसिल का दिख रहा होगा वर्क, उसे हटा देंगे, इरेजर से हटा के क्लीन कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें कलर फिलअप करेंगे। तो हमने इसे पेंसिल से जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है उसे हटा दिया है और अब मैं इसमें कलर फिलअप करूंगी। अब मैं इसमें कलर लगा रही हूँ, जैसे कि आपके ट्री में डार्क ग्रीन दिया हुआ है और लाइट ग्रीन, तो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का यूज करेंगे। उसके बाद ब्राउन से स्ट्रोक डाला हुआ है तो वो भी बनाने का कोशिश करेंगे।
अब मैं जिगजैग कर रही हूँ, बस जिगजैग से ही आपको ये सारा लीव्स और जितने भी इसमें वर्क हैं सारा जिगजैग से बना हुआ है, तो आप लोग इसी तरह से जिगजैग करेंगे। इसी तरह से जिगजैग करते हुए सारा जो लीव्स दिख रहा है उसे बनाना है। इसे अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोग को जिगजैग से ही इस सारे ट्री को देख रहे हैं, कहीं पर येलो कलर और लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन ये सब लगा हुआ है, और किसी ट्री में यहाँ पर मैं ऑरेंज से भी करूंगी जो जैसा आपके बुक में बताया गया है, तो ऑरेंज कलर भी लगाना है। ऑरेंज कलर लगा रही हूँ, ऑरेंज कलर का भी आपका बना हुआ है ट्री, तो ऑरेंज कलर का भी कलर कर यूज करना है। ब्लू कलर का यूज करना है, तो ब्लू कलर का भी एक ट्री में बताया गया है ब्लू कलर से, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ। अब ट्री का जितना भी लीव्स है वो बन गया, और अब नीचे जो आपका झाड़ी दिख रहा है उसमें कलर मैं लगा रही हूँ। देखिए इसमें भी ग्रीन कलर का चूंकि यूज करना है, तो पहले आप लोग उसी तरह से यूज करेंगे, जिस कलर का ज्यादा काम वर्क है उसे पहले यूज कर लेंगे। तो मैं इसमें भी जिगजैग करना है, बस इस तरह से आप लोग बनाते चलेंगे। और यहाँ पे कहीं कहीं पे इसमें ये ग्रास दिख रहा है, घास बना हुआ, तो उसे भी ग्रीन कलर से ही करना। इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, सबसे पहले आप जितने भी ग्रीन कलर का यूज है कर सकते हैं उसे कर लेंगे।
फिर ये जो फ्लावर का लिप्स बड़ा बड़ा बना हुआ है इसमें भी ग्रीन कलर ही यूज करना है, तो इसमें भी ग्रीन कलर का यूज करना है। तो मैं पहले सारे ग्रीन का वर्क कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अदर कलर का यूज करूंगी। अब देख रहे होंगे आप लोग सारे बच्चे कि इसमें जितने भी वर्क है इस पेज में वो सिर्फ जिगजैग से ही बना हुआ है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। बस जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं ड्राइंग को घास के, बस वही समझिए कि इसी तरह से वर्क करना है और जिगजैग से आप लोगों को ये पूरा पिक्चर को कंप्लीट करना है। इस लैंडस्केप को बस कलर का देखना है कि कहाँ पे कौन सा कलर लगाना है। ऐसे ये भी नहीं, लैंडस्केप में आप खुद से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जो फ्लावर बना हुआ है इसमें रेड कलर का यूज किया हुआ है, तो देखिए इसमें भी हल्का हल्का जिगजैग ही किया हुआ है। तो ये रेड कलर से मैं बना रही हूँ इसे। इस तरह से फ्लावर को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये जो ब्राउन ग्राउंड है तो इसे आप ब्राउन कलर से ग्राउंड को बनाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर जो ट्री बना हुआ है उसे बनाऊंगी। इस तरह से जहां जहां ब्राउन कलर का ग्राउंड में यूज किया हुआ है आप लोग ब्राउन कलर का यूज करेंगे। और इसमें भी बस ज्यादा कुछ नहीं, बस जिगजैग ही करना है। बस इसी तरह से आप लोग ग्राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब जो ट्री है ट्री में आप लोगों को ब्राउन कलर फिलअप करना है। तो इसमें हल्का कहीं कहीं पर स्ट्रोक डाला हुआ है और कहीं कहीं पर ऐसे सिंपल फिलअप किया हुआ है कलर, तो आप लोग इसे ध्यान देते हुए इसमें कलर फिलअप कर लेंगे।
आप लोग ट्री को बनाएंगे, ट्री में भी देखेंगे कि छोटा छोटा स्ट्रोक और जिग जैग दोनों डाला हुआ है। तो आप लोग को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि स्ट्रोक कैसे पड़ता है और जिग जैग कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप लोग पूरा ड्राइंग बना करके इस ट्री को भी बनाने का कोशिश करेंगे, जैसे मैं बनाई हूँ। कहीं कहीं पे पतला पतला वर्क है, तो उसे आप लोग ध्यान से धीरे धीरे बनाएंगे। और ये जो बादल जैसा बना हुआ है, इसमें हल्का सा ब्लू कलर लगा हुआ है। भी जिग जैग ही करना है, तो हल्का सा आप लोग इसमें ब्लू कलर कर देंगे। और इस तरह से इस पेज को आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे, अच्छे से सुंदर से बनाएंगे। सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे लैंडस्केप का। दैट्स ऑल, थैंक यू।